हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी हो रही है शाम हो गई है, शाम के 6:30 बज रही है। तो मैं आज से आप सभी से शाम को मिल रही हूँ और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली वालों को हमारी तरफ से। तो मैं आज तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाशनी। चाशनी में मैं इलायची और थोड़ी सी कलर डालूंगी तो इसमें चाशनी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का काला जामुन, तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अच्छी बनेगी तो भी शेयर करूँगी और ख़राब भी बनेगी तो भी दिखाऊँगी। तो अंकित की तबीयत में थोड़ी काफ़ी सुधार आ गई थी तो मैंने कहा कि रक्षाबंधन में तो कुछ तो होममेड स्वीट होना ही चाहिए, तो ऐसे तो बाज़ार से ला के खाते हैं तो चलो क्यों ना ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप तो मैं दूध डाली थी, उसको गर्म करके मैंने सूजी को थोड़ी सी बारीक पीस ली थी और 1 कप सूजी ली थी। तो मैं उसको धीरे धीरे करके डालती गई ताकि वो गुठलियाँ ना पड़े, और मैं इसको ऐसे मेल्ट करते रहूँगी ताकि वो एक जगह ना वापस में चिप आ जाए और पैन छोड़ दे, तभी मेरा बैटर तैयार हो जाएगा। तो मैं वही सब वैसे ही कर रही हूँ और उधर मेरी चाशनी तैयार हो रही थी। मैंने थोड़ी सी सूजी में इलायची डाल दी थी और यहाँ पे मैंने थाली में थोड़ी सी तेल ग्रीस कर ली थी और 2 चम्मच मैंने सूजी में भी तेल डाल दी थी। आप घी भी डाल सकते हो और इसको मैं गरम गरम में हाथों से ही मैं इसको गरम ही बेटर रहेगा तभी मैं इसको हाथों से अच्छे से मिला लूँगी। तो मैंने 10 मिनट तक कम से कम इसको मला ताकि वो उसमें क्रैक ना आए, तो काफ़ी सॉफ्ट थी और बन रही थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए ना ज़्यादा धीमा ना तेज आँच में पकाना है इसको, मध्यम आँच में पकाना है ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि सूजी के हैं, और इसे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वो जब तक सुनहरी हो जाए तभी हम उसको पलटेंगे। तो इस तरह करके मैं बना रही थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दी थी और चाशनी को मैंने थोड़ी सी गर्म कर दी थी। तो ये गर्म में ही चाशनी में ही मुझे डालना है ताकि वो अच्छे तक से अंदर तक ये रस जा सके। तो यहाँ पे मैंने उसको गर्म मैंने चाशनी को थोड़ी गर्म कर ली थी और मैं यहाँ पे देखिए डाल दी हूँ। तो मेरे गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे बने थे और खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। तो और उसके बाद ना हमारे यहाँ आज सुबह मैं आज मायके जाने के जाने वाली थी तो इसलिए हर सुबह सुबह ही आ गई न्यूज़ कि हमारे यहाँ मायके में रक्षाबंधन नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर एक लेडी मतलब बूढ़ी थी, बीमार थी काफ़ी दिनों से, तो वो डेड कर गई थी इसीलिए हमारे वहाँ रक्षाबंधन नहीं होगी। तो काफ़ी ख़राब लगा क्योंकि पूजा त्यौहार में उनको घर में भी ऐसी दिक्कत हो गई है तो हमारे यहाँ राखी नहीं होगी, तो अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आकृति को लगा दे रही हूँ मेहंदी और बच्चे लोग भी काफ़ी मायूस हो गए थे क्योंकि उन लोगों को मामा घर में काफ़ी अभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ आकृति के लिए मेहंदी, तो यहाँ के आकृति के देखिए मेहंदी। तो दीदी मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक शेयर और जो नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।